अस्सलाम वालेकुम क्लास सिक्स, आप लोगों को मैंने हम समझाई थी, उसके बाद अब आप लोग हम का काम करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग सवाल जवाब से इसकी शुरुआत करेंगे। आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से सेम पैटर्न से काम करना जैसे आप लोग फाइव में करते आए। सबसे पहले अब हम का टाइटल पेज बनाएंगे, हम तेरा मोहताज ये सारा जहाँ है मैंने ऊपर लिखा है, लेकिन आप लोग उस तरह से ऊपर नहीं लिखेंगे, आप अलग से एक पेज पर टाइटल पेज बनाएंगे। उसके बाद पहला सवाल है, अल्लाह ताला हमारा पासवान है मिसालों से साबित कीजिए। शायर की इस बात से मुराद ये है कि हम सब की हिफाजत सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला ही करते हैं, मतलब जंगल बयाबा हो या समंदरों की गहराई या रेगिस्तान, हर जगह इंसान को ज़िंदगी देने वाला अल्लाह ताला ही है। अल्लाह ताला ही हम सबको पैदा करने वाला है। जंगल का मतलब तो आप लोगों को पता है बयाबा, बयाबा का मतलब होता है जहाँ पर कोई चीज़ ना हो, सुनसान और इलाका और गुमनाम इलाका हो। समंदर की गहराई में भी बहुत सारी अल्लाह ताला ने मखलूक पैदा की है, रेगिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत सारी मखलूक पैदा की है, जहाँ जहाँ भी है अल्लाह ताला की मखलूक, जिस जिस जगह पर भी है अल्लाह ताला ही हम सबका पास पाएँ और अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया है। उसके बाद है सवाल नंबर दो, अल्लाह ताला किन किन चीज़ों से आया है, यानी अल्लाह ताला की कुदरत किन किन चीज़ों से ज़ाहिर होती है। दुनिया में मौजूद हर हर चीज़ से अल्लाह ताला आया है, यानी आया का मतलब ज़ाहिर होना। अल्लाह ताला हर एक चीज़ से ज़ाहिर होते हैं, जैसे ये फूल, कलियाँ, बाग, ये पहाड़, समंदर, हर हर चारों तरफ अल्लाह की कुदरत है, जिससे हमें अल्लाह ताला के होने का यकीन होता है। हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं मिसालों से वजात कीजिए। हमारा मालिक और खालिक अल्लाह ताला है, वही जिसने हमें पैदा किया है। हम हर काम अल्लाह ताला की रज़ा से ही करते हैं, कोई भी काम अल्लाह की रज़ा हासिल किए बगैर नहीं कर सकते। अल्लाह ही है जो हमें हर काम को करने की हिम्मत और ताकत देता है और इसको पूरा मुकम्मल करने में हमारी मदद करता है, इसलिए हम हर छोटे से छोटे और हर बड़े से बड़े काम के लिए अल्लाह ताला के मोहताज हैं। देखिए बेटा, अल्लाह ताला के मोहताज, अब इस सवाल में हम अल्लाह ताला के मोहताज हैं। अब आप लोगों को मैं ये समझाना, मज़ीद और मिसालें देकर ये समझाना चाहूँगी कि हम अल्लाह ताला के कैसे मोहताज हैं। मैं आपको ये बता दूँ, अगर हम खुद चाहें ना तो हम खुद चाहकर यहाँ से उठकर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते। हम चाहें तो खुद सांस नहीं ले सकते, हम चाहें तो खुद अपना हाथ नहीं उठा सकते, हम चाहें तो कुछ भी नहीं कर सकते। हम जो भी करते हैं, हमारी हर एक चीज़, हमारा एक एक जिस्म का हिस्सा, सब हमारी सांसें, हमारी ज़िंदगी, सब अल्लाह की मोहताज है। अल्लाह जो भी हम करते हैं, हम अल्लाह के हुक्म से ही करते हैं। अल्लाह ताला ने ही हमें ज़िंदगी अता फरमाई, क्योंकि जब भी हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी तो हमारी सांसें बंद हो जाएंगी। जब हमारी सांसें बंद हो जाती हैं तो हमारा जिस्म बिल्कुल नाकारा हो जाता है, किसी काम का नहीं रह जाता। तो ये जो रूह अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रखी हुई है, इस रूह को भी तो अल्लाह ताला ने ही रखा है ना। अल्लाह ताला जब चाहें वो हमारी रूह निकाल सकते हैं। तो इससे क्या साबित होता है कि हम बिल्कुल हर हिसाब से अल्लाह ताला के मोहताज हैं। अब आप लोग इसी तरीके से, जिस तरह से मैंने ये काम लिखा हुआ है, उसी तरीके से साफ़ सुथरा सफाई से काम करेंगे और तारीख ज़रूर डालिएगा। और हम का टाइटल पेज आप अलग सफ़े पर बनाएंगे, इस तरह ऊपर नहीं लिखेंगे। हम का टाइटल पेज आप लोग अलग से सफ़े पर बनाएंगे, इस तरह ऊपर नहीं लिखेंगे। शुक्रिया।